लीची का लाल रंग देखकर अगर आप ललचाते हैं तो सावधान। हरी लीची को चंद सेकंड में लाल करने वाले इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। लोग दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना का है। सवाल ये है कि आखिर क्यों ये शख्स हरी लीची को लाल कर रहा है? क्या कच्ची लीची को पकाने का ये नया तरीका है? लीची पर लाल रंग का ये केमिकल क्या है? क्या ये केमिकल सेहत के लिए हानिकारक है? हरी लीची पर लाल जहर के स्प्रे वाले इस वीडियो का आज हम करेंगे वायरल टेस्ट। आपको बताएंगे कि क्या सच में ये वीडियो पटना का है? वायरल टेस्ट में हमारे सामने तीन सबसे बड़ी चुनौतियां थी। मसलन, वायरल हो रहा वीडियो क्या पटना का ही है? वीडियो नया है या पुराना वीडियो वायरल हो रहा है? क्या सच में केमिकल से रंगी लीची बिक रही है? वीडियो की सच्चाई जानने के लिए आज तक की वायरल टेस्ट टीम ने हर एंगल से पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो का बारीकी से परीक्षण किया। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। पठानी कुर्ता पैजामा पहने इस शख्स को देखिए। देखिए ठेले के बगल में जमीन पर बैठा ये शख्स कैसे लीची पर लाल रंग का स्प्रे कर रहा है। वो अपनी धुन में मस्त है। वीडियो से साफ है कि इस बात से ये अनजान है कि इसकी हर हरकत कैमरे की जद में है। लेकिन तभी पीछे से वीडियो बना रहा शख्स इसे टोकता है। लेकिन ये क्या, कैमरा देखने के बाद भी इस शख्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा ये बताता है कि लीची को लाल करने के लिए ये जो लाल रंग डाल रहा है वो 200 रुपए का है। तो सवाल ये है कि 200 रुपए के केमिकल को क्या ये शख्स लीची को सुंदर दिखाने के लिए प्रयोग कर रहा है, या फिर इस केमिकल से हरी लीची की मिठास दुगनी हो जाएगी? पड़ताल के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो से जुड़ा एक अहम सुराग हमें मिला। यूट्यूब पर लीची कैसे होती है लाल शीर्षक से एक वीडियो अपलोडेड है। इस सुराग पर हमारे पटना ब्यूरो के संवाददाता रोहित सिंह ने तफ्तीश शुरू की। चल रहा है जिसमें दिखा रहा है कि हरे रंग के लीची को लाल रंग से पेंट किया जा रहा है, पटना का वीडियो, ऐसा होता है क्या पटना में? नहीं, पटना में तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ का बगीचा में ये सब नहीं होता है। पेंटेड और पेंटेड सब नजर आ जाता है। जो रियल है वो रियल है, चाहे कितना आप पेंट करिएगा वो पकड़ा जाएगा। नेचुरल नेचुरल होता है और पेंटेड पेंटेड होता है। पटना का जो बताया जा रहा है वीडियो, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, गलत है। वायरल वीडियो की पड़ताल करने के लिए हमने पटना के कई बाजारों की खाक छानी, तो हमें पता चला कि गर्मी के मौसम में लीची की मांग बढ़ जाती है और फिलहाल अब पटना के बाजारों में लीची आना शुरू भी हो चुका है। हमें यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर लीची को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सच है। कुछ दुकानदार ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हरे रंग की लीची को लाल रंग से रंग देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पटना का नहीं है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर वायरल वीडियो पटना का नहीं है तो फिर कहाँ का है? क्या केमिकल वाली लीची पूरे देश में बिक रही है? हमें पता चला कि बिहार का मुजफ्फरपुर लीची की खेती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमें लगा कि वहाँ पर हमें इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सुराग मिल सकता है। हमारी टीम जब वहाँ पहुँची और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर में हमारे संवाददाता मणि भूषण ने वीडियो का वायरल टेस्ट शुरू किया।
पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि वायरल वीडियो में जिस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है उसका इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर तो हम लोग खुद किसान है, हम लोग तो अपने से पानी पटाते हैं, जब पौधा पूरा लाल हो जाता है लीची हम लोग का तब मार्केट में उतारते हैं इसको। यहाँ डुप्लीकेट लीची नहीं होती। किसानों के मुताबिक वायरल वीडियो में ये शख्स जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है उसे इथरेल कहते हैं। इथरेल का प्रयोग अमूमन केला, पपीता और आम को पकाने में किया जाता है, लेकिन लीची को पकाने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लीची गुच्छों में एक साथ पेड़ पर ही पकती है, पकी हुई लीची का कलर अपने आप लाल हो जाता है। मुजफ्फरपुर में नहीं होता है, यहाँ हम लोग बचपन से है, यहाँ खुद पेड़ में पकता है, खुद पकता है और खुद पेड़ में पकता है तो फूट के बाजार में जाता है। जांच में सामने आया है कि बाग में जिस लीची के गुच्छे पर धूप नहीं पड़ पाती है वो अंदर पक तो जाती है लेकिन बाहर से लाल नहीं हो पाती। बिचौलिए किसानों से इस लीची को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और उसे केमिकल से लाल करके बाजार में महंगी कीमत पर बेचते हैं। जानकारों के मुताबिक ये लीची सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। कच्चे अधपके हुए लीची को किसी भी रंग से, खासकर लोग जो रंग यूज करते हैं वो होता है साइट्रस रेड, जो उसकी लाली को बना दे। दूसरा रंग यूज करते हैं लोग इरिथ्रोसिन, ये रंग जो होता है इसको लाल कर देते हैं, हरे लीची को लाल बना देते हैं। और ये जो रंग यूज करते हैं वो बहुत ही हानिकारक है, खासकर हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। केमिकल वाली ये लीची सेहत के लिए कितनी खतरनाक है ये तो हमारी तफ्तीश में सामने आया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो है कहां का। सोशल मीडिया को एक बार फिर से खंगालने पर पता चला कि असल में ये वीडियो पाकिस्तान का है। 16 जून 2015 यानी आज से करीब 2 साल पहले इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ मैसेज में साफ लिखा है कि पाकिस्तान में फल वाला कैसे लोगों की सेहत से खेल रहा है। सोशल मीडिया पर पटना के वीडियो के नाम से ये वीडियो तब वायरल हो गया जब 1 जून 2016 को किसी ने इस दावे के साथ वीडियो को फिर से अपलोड कर दिया कि ये वीडियो पटना का है। हमारी तफ्तीश में वीडियो तो पास हो गया लेकिन ये वीडियो पटना का है ये दावा फेल हो गया।